सब्सक्राइब कीजिए EHS गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट EHS वीडियोस सबसे पहले देखने। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्रीज एक्ट एंड फैक्ट्रीज रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल आसान तरीके में। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट कहता है वॉट टू डू, वही फैक्ट्रीज रूल कहता है हाउ टू डू। वॉट टू डू, हाउ टू डू, यही एक मेन डिफरेंस है। क्या करना है ये फैक्ट्रीज एक्ट कहता है, करना कैसे है वो फैक्ट्रीज रूल कहता है। दोस्तों, फैक्ट्रीज एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? फैक्ट्रीज एक्ट सेंट्रली एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वैसे ही फैक्ट्रीज रूल्स वो स्टेट एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र स्टेट फैक्ट्रीज रूल्स 1963 और कर्नाटका स्टेट फैक्ट्रीज रूल्स 1969। दोस्तों, फैक्ट्रीज एक्ट एक ही है 1948, लेकिन फैक्ट्रीज रूल्स हर एक स्टेट के लिए अलग अलग है। जैसे महाराष्ट्र के लिए अलग, कर्नाटका के लिए अलग, केरला के लिए अलग, तमिलनाडु के लिए अलग। दोस्तों, हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट में सेक्शंस पढ़ते हैं, जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 40B में लिखा हुआ है 1000 वर्कर के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, लेकिन फैक्ट्रीज रूल्स में हम लोग रूल्स पढ़ते हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3 ऐसा रहता है वहाँ पर। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ रहता है सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटीज़ क्या रहता है, सेफ्टी ऑफिसर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर का कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है, ये सब हम लोगों को फैक्ट्रीज रूल्स में मेंशन किया हुआ रहता है। दोस्तों, फैक्ट्रीज एक्ट विल नेवर चेंज, फैक्ट्रीज एक्ट चेंज नहीं हो सकता, लेकिन फैक्ट्रीज रूल कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द स्टेट रिक्वायरमेंट बाई कीपिंग फैक्ट्रीज एक्ट एज देयर गाइडलाइंस। दोस्तों, इतना ही मेन डिफरेंसेस है एक्ट और रूल्स के बारे में।